अस्सलाम वालेकुम। देखिए खैरियत, देखिए देखो मैं अभी तिल का अचार बना रही हूँ। अपन शुगर पेशेंट हो, बीपी के लिए भी अपन मिर्ची नहीं है समझे, इसमें मिर्ची नहीं डालते, खाली ऐसा बनाते। अभी मैं काट रही खैरिया छोटे छोटे, और मैं इससे पहले अचार भी जैसे अभी सऊदी चलेगा और एक दूसरी बार बनाई वो भी अचार चलेगा, पहुंच गया रिश्तेदार में, ये भी अचार पहुंच रहा है, सऊदी जा रहा अचार, ये तिल का अचार। ये देखिए तिल, राई तिल, राई कम डालना, और उससे मैं लहसुन तीन डाले हैं। मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ा ही काटना है, पीसने का नहीं, मैं काट के डालने का बताती। और ये हल्दी, ये नमक, मैं कितना कितना डालना बताती। ये मेथी का पाउडर, मिर्ची नहीं डालते इसमें, मैं पूरा काट के पूरा कंप्लीट हुए बस से मैं आपको बताती। अब देखो ऐसे काट के छोटे बनाओ पीसेस, इसलिए छोटे बना रही है, रिश्तेदारी में पहुँच रहा है, सऊदी जा रहा है। इससे पहले का अचार भी चलेगा, दो बार डाली से भी अचार चलेगा। अब ये अचार भी चले आ रहा है, समझो पहुंच रहा है, रिश्तेदारी में पहुंच रहा है। ये तिल का अचार, अब पूरा ये काटेगा, अभी पूरा काट दी मैं। ये 10 कैरी है, एक कैरी अपने को 15 रुपये में पड़ी है कैरी, बहुत बहुत खट्टी रहती है कैरी, क्रिस्पी रहती है और चिकनी कैरी रहती है। ये अचार अभी ये सऊदी जा रहा है अचार, बीपी शुगर के लिए अपने कुछ में तो ज़्यादा मिर्ची नहीं रहेंगी, नमक भी कम रहेंगे, लाइक बहुत अच्छी चीज़ है। देखो मैं मिला रही, एक कप नमक इसे आधी कप इससे क्या है बोले तो, एक तिल है, अढ़ाई कप सुनगा, लहसुन 1 कप, इसको कट करके पीसना नहीं, ऐसे डालना। अभी लगता है, अभी एक डल्ला है सपन, मैं बाद में एडजस्ट कर लेती हूँ। और मेथी, मेथी 2 चमचे समझो भुनी हुई मेथी, थोड़ी सी नहीं कच्ची भी डाल दी हुई मेथी, बता दी आपको, मेथी, हल्दी 2 चमचे, अढ़ाई चमचा लगती समझो, राई, ज़्यादा राई नहीं डालना, खाली तिल का अचार है ये, 1.5 कप नमक आ गया, डेढ़ कप कैसा करना। और इसमें तिल का अचार में तिल में डाली ना, तो तिल का तेल ही डाले तो बहुत अच्छा अचार होता, कड़ोड़ का तेल भी डाल सकते हैं। मैं तिल का अचार डालने का 1/2 किलो तेल लगता है इसमें, 3 पोते कैसे, बहुत अच्छा होता अचार ये तिल का तेल अचार। तिल का अच्छा बहुत अच्छा सा मिला लेके अपन, और क्या करना बोले तो इसको तेल थोड़ा सा कुनकुना तेल कर लेके मिला लेना, तिल का तेल अच्छा होता अचार ये, ज़्यादा हेल्थ के लिए भी अच्छी चीज़ है, तिल भी अच्छी चीज़ है, लहसुन भी अच्छी चीज़ है, अपने को ऑयल भी जो डाल रहे तिल का ऑयल डाल रहे, आयरन है अपने को तिल भी, ये खा सकते अपन अचार ये, और मिर्ची नहीं रहती इसमें, यही चम्मच इतना ही अचार ये। देखिए इसके अंदर 1/2 किलो तेल, तिल का तेल लगता, मैं मिलाए वैसे आप लोगों को बताती हूँ।
ठीक है तो भाई और बहनों फ्रेंड्स गाइस जुम्मा मुबारक। मैं जो अचार तिल का अचार डाली थी ना वो तेल लाना था पूरा, मैं जैसा जैसा बनाई पूरा यूट्यूब में हैदराबादी रेसिपी वाइब पर चैनल में देखिए जरूर। देखो मैं रात को क्या करी, तेल नहीं डाली, आप लोग को कहाँ तक पता है मिलाए सो पता ही खाली। अब ये निकाल दे रही हूँ कवर, इस पूरा कवर तेल में लगा के मैं सब पूरा मिला के रखी थी, ये निकाल दे रही कवर, ऐसे कवर ढाप दे के रख दी थी रात को पूरा। ये तिल का तेल, तिल का तेल मिले, तिल का अचार में तिल का तेल ही मिला है तो बहुत टेस्ट रहता। आधा किलो पे पाव किलो, पाव किलो अलग ले ली मैं, ये बोल के आधा किलो लेके दाल बताइए तिल का तेल। बिस्मिल्लाह बहुत अच्छा था तेल अचार, अपने को जितना एक तीन दिन बाहर रख के चार पाँच दिन बाहर रख के बाकी का अचार फ्रिज में रख लेना है। शुगर पेशेंट वाले खा सकते हैं, मिर्ची नहीं रहती इसमें, मेथी है खाली, राई है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तिल है, आयरन अपने को। और मैं पहले का डिश बताई सो मुर्गी के पंजे का पूरा बताई थी, वो वीडियो भी डाल दी मैं, खाली शार्ट डाली थी वो भी डाल दी। अब इसका भी पूरा डिटेल बनाए सो पूरा मैं खाली शार्ट डाली थी, अब तेल मिला के पूरा डिटेल कैसा कैसा बनाए सो पूरा वीडियो डाल रही। देखिए आप लोग सब प्रेस करिए शेयर करिए, नजदीक से बताओ जरा तेल देखो, माशाल्लाह तेल अच्छा उतर रहा, तेल अच्छा रहा तो अचार खराब नहीं होता। तो हर मेटेरियल तेल तिल कितनी डालना और राई ज़्यादा नहीं डालना, एक प्याली डेढ़ प्याली डाली में पूरा उसमें बता रही मैं आप लोग को। ये भी अचार सऊदी जा रहा अचार, ये इससे पहले का अचार भी सऊदी चलेगा रिश्तेदारों में, फिर नेक्स्ट अचार डाली वो भी चलेगा। ये फरमाइश ठीक है तिल का अचार होना हमको और पीसेस भी छोटे होना बोल के बोले मेरे रिश्तेदार में, उन लोगों को पहुँच रहे। देखो तेल देखो फुल है तेल, तीन पौ तेल है आधा किलो पे, ये 10 कैरी का है, कैरी भी अच्छी भारी है क्रिस्पी, ये देखो कैरी भी चिकनी कैरी 15 रुपये में कैरी मिली है बहुत अच्छी, मैं कम कैरी वाली नहीं मिलाई, ये अच्छा रहा ठीक है। देखिए पता अच्छा सा मिला दी, देखिए तेल कितना उतर रहा, ऑलरेडी तेल है, देखिए तेल, इसे तेल अच्छा रहना तिल के अचार में, कहें तो तिल भी गरम और कैरी भी गरम, इसलिए तेल अच्छा रहे तो क्या तो अच्छा खराब नहीं होता है। तिल थनकाले में खाए तो भी बहुत फायदेमंद है, तिल भी गरम, शुगर पेशेंट बीपी पेशेंट सब खा सकते हैं। सब क्रेज करिए शेयर करिए कमेंट करिए, हाय गाइस हाय फ्रेंड्स देखो सब प्रेस ज़रूर करिए, आपकी दुआएं जुम्मा मुबारक, जितने भी लोग हाथ उठाए नमाज में उन की दुआ कबूल फरमा दे, हमारी भी दुआ कबूल फरमा दे, आप लोगों की दुआ मेरे साथ मेरी दुआ आपके साथ ज़रूर, अल्लाह की दुआ की गुजारिश।